गैस कम कीजिए, धीमी आंच पे पकेगा, अच्छा बनेगा। थोड़ी हल्दी और डाल दीजिए, मुझे कम लगे। या अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? सब्जियां उठाई काटने लग गए, धोएगा कौन? सब्जियों पे इतनी ज्यादा दवाएं छिड़की होती है ना, सभी सब्जियां लेके जाइए, पहले धोइए और फिर काटिएगा। हाँ जी। और सब मसाले निकाल दीजिएगा, पिसा हुआ धनिया भी। हाँ उधर पड़ा। एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आटे में ना थोड़ा सा घी डाल दीजिए, रोटियां नरम बनेंगी। हाँ खुदा के लिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब शुरू में ही गलती हो रही है तो आगे तो गलती होगी होगी। मतलब है कि यहाँ पर ये सब खाना नहीं बनता है। और वैसे भी आफताब साहब ने आज जश्न के लिए बड़े मिर्चों का सालन, पेशावरी चपली कबाब और अरिशा लाहौरी, ये सब बनाने के लिए बोला है। अल्लाह, ये तो मैंने नाम ही नहीं सुने, क्या करूँ याददाश्त का। लेकिन नाम ये सब तो मुझे बनाना नहीं आता। नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं, जश्न तो आपके आने की खुशी में हो रहा है ना, तो जो आपको पसंद हो वही बनेगा। तो ठीक है, मैं बनाऊंगी राजमा चावल, बढ़िया रहेगा, और साथ में सरसों का साग, मक्के की रोटी और छाछ, एकदम परफेक्ट। और अपने हाथों की बनाई हुई पुदीने की चटनी जब मैं आपको खिलाऊंगी ना, हाथ चाटते रह जाएंगे, शर्त लगा लीजिए। ये कौन से कोने में ऐसा खाना बनता है, वो भी दावत में? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब ये है, अगर ये सब खाना बनेगा तो मीठे में भी कुछ बनना चाहिए ना। मीठे में एप्पल पाए, उन्हें बहुत पसंद है ना। आपको अच्छी लगती है ना? उन्हें किन्हें? शाद को और किन्हें? शाद ने ये सब कब खाया? अरे मेरे शौहर है वो, हजारों दफा मेरे हाथों से बना खाना खा चुके होंगे, ये कैसी बात है? चलिए जल्दी कीजिए, बहुत सारा काम है। हाँ मैं तैयारी कर लेती हूँ। माफ कीजिएगा, वो आप काम कर रहे थे इसलिए मैं आपको बिना बताए आ गई। मुझे ऐसे लगा कि अब जब सबने मुझे घर की बहू के तौर पे कबूल कर ही लिया है तो मुझे भी बहू वाले फर्ज अदा करने चाहिए। मैंने ठीक किया ना? जी मैं सिर्फ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, सारा खाना ना मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी, क्योंकि अपनी पसंद का खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। लेकिन इस बात से अब्बू खफा तो नहीं हो जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। कुछ कह रहे थे क्या? फेवरेट चीज टेस्ट करवाऊं? अम्मी ये डिश आपके जैसा कोई नहीं बना सकता। बेटा ये हिंदुस्तानी खाना है, यहाँ पाकिस्तान में शायद ही किसी को ये बनाना आता हो। शायद कुछ कमी है क्या? मैं जानती थी इस भूलने की बीमारी का मैं क्या करूं? कुछ भी कमी नहीं, सिर्फ किसी की याद दिला दी। किसकी? मेरी अम्मी की। हाय अल्लाह, एक बीवी को इससे
अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल ही नहीं सकता कि उसके हाथ का खाना खा के उसके शौहर को उसकी अम्मी की याद आती। शुक्रिया शान। चलिए ठीक है, मैं तैयारी कर लूं, बहुत सारा खाना बनाना है। हाँ आहिल जी, पूरी दुनिया के सामने मुझे बेगम का दर्जा देंगे, अखबारों में मेरी और आहिल जी की तस्वीरें छपेंगी, अब सबको पता चल जाएगा कि मैं भोपाल की नई बेगम। अरे ये खुशी अब कुछ ही दिनों पूर्ण हो जाएगी। Why? क्योंकि जब बच्चा है नहीं तो आएगा कहाँ से? जैसे आज नाजिया की रिपोर्ट काम में आई है, वैसे ही नाजिया काम में आएगी। ननंद को भाभी की मदद तो करनी ही चाहिए ना। लेकिन चाहे जो भी हो, आहिल कभी तुम्हें अपने दिल से कबूल नहीं करेगा। नहीं, वो उसके दिल में वो अरे वो मुई कमबख्त मारी सनम घर बनाकर बस चुकी है ना। बसे हुए घर को उजाड़ने में कितना वक्त लगता है। भले ही आहिल जी मुझे दिल से कबूल ना करें, लेकिन मैं उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि उन्हें मेरी हर बात माननी होगी। वो वही करेंगे जो मैं उन्हें कहूंगी। वो कहते हैं ना, शैतान से पीछा छुड़ाना नामुमकिन, और मैं शैतान हूं। अरे वाह, मतलब तुमने आयल के ऊपर अपना जादू चलाने का कोई नया तरीका निकाला क्या? औरत अपने आप में एक काला जादू होती है, वो चाहे तो आदमी को आबाद कर दे या फिर बर्बाद। माशाल्लाह मेजर साहब, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और क्या है ना कि इस दुनिया की हर लड़की तोहफे पे मरती है, जान देती है, लेकिन अगर वो तोहफा उसके शौहर का दिया हुआ फिर बात ही कुछ और। बहुत ही प्यारी ड्रेस, थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा भी है कि जब आप मुस्कुराती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। काश कि आपकी इस मुस्कुराहट की वजह मैं होता। मतलब? ये ड्रेस मैं नहीं लाया। शायद अगर आप ये ड्रेस नहीं लेकर आए तो फिर कौन लेकर आया? मैं लेकर आई। इस घर की दुल्हन के लिए कैसा लगा गिफ्ट? शायद खुदा के लिए इसे कहिए यहाँ से चली जाए।
मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी शायद। जन्नत क्या हुआ जन्नत, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपको जो चाहिए था हमने दे दिया, आपके लिए तोहफा भी लेकर आया, फिर भी आप शादी ने कहा चुप हो जाइए और यहाँ से चली जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। जन्नत मिसबाह ने दिल से लाई ये ड्रेस, समझने की कोशिश कीजिए। शाह आपको नहीं पहनना है मत पहने, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा आपके साथ। खुदा के लिए इसे भेजिए यहाँ से। कैसा सुलूक है जन्नत? आप समझने की कोशिश कीजिए, बोलिए इनसे अभी कि चली जाए। मिसबाह मैं आपको कैसे बताऊं शाह, किसी से इतनी नफरत का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। इतने सारे कमेंट्स में ऐसा एक कमेंट नहीं है जिससे मुझे मेरी सनम तक पहुंचाने का हिंट है। इतनी बड़ी दुनिया में कहां ढूंढूं मैं अपनी सनम को? क्या चाहिए तुम्हें? आपको यही लगता है ना, जब भी मैं आपके सामने आती हूँ अपनी किसी जरूरत या फिर मतलब की वजह से आती हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं जानती हूँ आपने अखबार वालों को क्यों बुलाया है। आप पहले इस बच्चे को लेकर अपने आप को कसूरवार मानते हैं। आप नहीं चाहते ना कि इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी हो जिससे आपके दिल का बोझ बढ़े। एक बच्चा बाप के दिल का बोझ नहीं, उसके दिल का सुकून होता है। आप सच में इस बच्चे के लिए कुछ भी महसूस नहीं करते? बताइए आहिर जी, मैं जानती हूं कि आप मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं आपकी मोहब्बत के काबिल भी ना हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसी औरत होने के नाते आपके सामने खड़ी हूं जिसकी कोख में आपका बच्चा। आपको पता है आज पहली बार मैंने अपने बच्चे के दिल की धड़कनों को सुना। क्या आप नहीं सुनेंगे?
गुजरे हुए कल के दामन को थामे रहेंगे तो आने वाले कल की आहट को कैसे सुनेंगे आप? सनम मेरा गुजरा हुआ कल नहीं, सनम मेरा आज है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। Do you understand that? अगर सनम जिंदा है तो पता नहीं कहाँ है, आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम मेरी दीवानगी को नहीं जानती हो। और अगर सनम जिंदा ना हुई तो आसमान को चीर कर उसे उसे मौत की गोद से निकाल लाऊंगा मैं, लेकिन उसे ढूंढ निकालूंगा। एंड दैट इज अ प्रॉमिस। नफरत की कोई वजह तो होती है शायद। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से जन्नत मुझसे इतनी नफरत करती? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर? आपके अबू ही चाहते थे कि मैं इस घर की बहू बनूं और मैंने उनके फैसले को पूरे दिल से कबूल किया। आपने कहा कि आप ये निकाह नहीं करना चाहते, तो मैंने आपके फैसले को भी पूरे दिल से माना। आप नहीं जानते शाह, एक लड़की के दिल में अपने निकाह को लेकर कितने अरमान होते। मैंने तो आपको लेकर अपने दिल में एक अलग दुनिया ही बसा ली थी। आपकी इजाजत लिए बगैर मैं आपके ख्वाब देखने लगी थी और जब हकीकत ने इन ख्वाबों को तोड़ा तो अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने खुदा के उस फैसले को कबूल कर लिया। मैंने तो यही सोचा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर मैं आपकी दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। सिर्फ इतना ही से तो चाहती थी। इस बार जन्नत की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। Please, I'm so sorry. आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं और किसी की तरफ से माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है शांत। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके इस जश्न में शामिल नहीं हूँ। प्लीज ऐसे मत कहिए, मैं खुद बात करूंगा जन्नत से। अल्लाह के वास्ते मेरे दिल की हालत को समझने की कोशिश कीजिए शाह। मैं आपसे भीख मांगती, उससे जबरदस्ती मत कीजिए। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपके इस जश्न में शामिल नहीं होंगी तो नहीं होंगी। मेरी सनम की फोटो तोड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? सनम की तस्वीर को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने?